हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। होम अज्ञान तिमिरांधस्त ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परियनुशयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखनितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रश्नाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे श्री गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे वंचा कल्पतरु व्यस्त कृपा सिंधुव्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित्विषे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपियाकांतो राधाकांतो नमःस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानंदमाधवं। हरे कृष्णा। तो पूरा इस्कॉन वर्ल्ड इस्कॉन भुवन आज मर्माहत है, शोकाहत है। 4 मई 2021 हमारे इस्कॉन फैमिली के वरिष्ठ वैष्णव में से एक श्री प्रभुपाद के बहुत ही अंतरंग पार्षद परिकर श्रीपाद पंकजांगरी प्रभु इस मर्त्यलोक को त्याग कर भगवत धाम चले गए। उनका अंतर ध्यान हुआ। साथ ही साथ सारा वैष्णव विश्व समाज आज उनके अनुपस्थिति में, भौतिक अनुपस्थिति में बहुत ही विरह कातर हैं और हम लोग सब जान रहे हैं कि कोविड पैंडेमिक का जो सेकेंड वेव है वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ज़्यादा आक्रमणकारी सिद्ध हो रहा है। श्रीपाद पंकजांगनी प्रभु कोविड से तो ग्रस्त हुए थे लेकिन किसी भी भौतिक जो रोग हैं उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है। जो व्यक्ति भवरोग से मुक्त हो चुके हैं उनके दिव्य देह को आक्रांत करें, एक माध्यम है, एक लीला है। हम लोग इस तरीके समझना है, एक लीला है, एक माध्यम है। और समय की अवधि पूर्ण होने पर
क्योंकि हमारे प्रतिष्ठा आचार्य नित्यलप्रश जयंग विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद एक विलक्षण अत्यंत विलक्षण सिद्ध महात्मा हैं, भगवान के निज परिकर हैं और वे हैं नित्य लीला प्रविष्ट हैं। वे समय समय पर पृथ्वी का बहुत सारे भुवन हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उस ब्रह्मांडों में भुवन तारणा करने के लिए भुवन तारण करने के लिए उन पृथ्वी लोगों में वे जाते हैं। और प्रभुपाद के अंतरंग पार्षद परिकर को भी प्रभुपाद उन सेवाओं के लिए उनको याद करते हैं। तो यही विशेष कारण जो मुझे समझ में आया कि प्रभुपाद को अपने किसी और भुवन के लीला में इन भक्तों को ज़रूरत है, तो प्रभुपाद जी उनको किसी माध्यम के द्वारा अपने पास बुलाए हैं। शुद्ध भक्त लोग स्पेशली भगवान के जो अंतरंग पार्षद हैं मंजरीगण हैं चैतन्य प्रभु के पार्षद हैं, वे लोग युग युग में वे लोग भी अवतार ग्रहण करते हैं। अवतार इन द सेंस वे लोग तो जन्म से ही मुक्त होते हैं, उनका उनका कार्य पहले से ही प्रीडेस्टिन्ड होता है, वो सामान्य जीव नहीं है, शक्तिशाली नित्य सिद्ध जीव हैं। वे लोग आते हैं भुवनों में घूमते हैं और सभी बद्ध जीवों को भगवान के चरणों की शुद्ध भक्ति का आश्रय देकर सर्व संपदा शुद्ध भक्ति का बहुत बड़ा वैभव होता है। जैसे किसी वित्तशाली के पास बहुत वैभव होता है, वैभव दो प्रकार का होता है, एक तो वित्त वैभव माने आपका ठाट बाट और एक गुण वैभव। गुणवंत के द्वार पे खड़े रहते हैं धनवंत जन, ऐसा कहावत है कि जो गुणवान व्यक्ति हैं उनके द्वार में खड़े रहते धनवंत जन, जो वित्त वैभवशाली हैं। तो ऐसे गुणी व्यक्ति का वैभव तो है ही, उस पे भी वे वो वैभव का प्रयोग कर रहे हैं भक्ति का वैभव साम्राज्य का, जो आध्यात्मिक साम्राज्य है और भगवान की शुद्ध भक्ति है उसका वैभव को निचोड़ के समस्त पापी तापी जनों में वितरण करने में। तो ऐसे वे ये सब भक्त लोग वैभव वितरण करने के लिए वैभव वितरण करने के लिए इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाते रहते हैं। तो पंकजांगनी प्रभु अपनी भौतिक उपस्थिति में नहीं है, फिर भी उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति हमेशा बनी रहेगी, ऐसा तो कोई संदेह नहीं है। वैष्णव अंतर ध्यान होता है, वैष्णव कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। मृत्यु को साधारण लोग प्राप्त होते हैं, वैष्णव नहीं। भले ही दिखे कि प्रभु जी का कुछ दिन पहले बहुत ही वे रोग से पीड़ित थे, उनको श्वास कष्ट हो रहा था, उनके लंग्स में कुछ इफेक्ट हो गया था, ये सब कारण हैं। भौतिक पंच भौतिक देह हैं, उसका एक उस देह का अवसान होने का कुछ कारण बनता है, कोई हार्ट अटैक कुछ भी कारण बनता है।
लेकिन फिर भी उस कारणों में कारण होते हुए भी उनकी अवस्था तो कलकत्ता में ही वैसी थी। लेकिन वैष्णव वे इच्छा मृत्यु सुशील ब्रह्मचारी तो विश्व पितामह का अनुगामी होते हैं ना, तो ये इच्छा मृत्यु का जो शक्ति ये उनमें होती है। हालत तो उधर ही खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी वे आए, वे मायापुर श्री धाम मायापुर में आके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पावन भूमि में देह त्याग की अपनी इच्छा से। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। एक वैष्णव शवार्य आनंद मनो वैष्णव आगमन, सब दशो दिशाओं पवित्र होती हैं जब एक वैष्णव जन्म ग्रहण करता है। ठीक ऐसे ही वैष्णव का इस धरा से अवगमन भी परम हितकारी होता है और परम पावन सिद्ध होता है, क्योंकि उस वैष्णव के विरह में कितने लोग अश्रु बहाते हैं, ये उनका शुद्धता बढ़ रहा है। भगवान देख रहे हैं कि एक वैष्णव जाने के बाद कितने लोग अश्रु बहा रहे हैं, कितने लोग उनकी महिमा का चिंतन कर रहे, पवित्र हो रहे हैं माइंड से। तो अवगमन भी पवित्र करने वाला होता है उनका इस संसार से। तो इसलिए ये सामान्य बात नहीं है, ये एकदम सामान्य बात नहीं है, ये दिव्य लीला है। और दिव्यता और भी है, कैसे? वैष्णव तो भुवन रत्न होता है, वसुंधरा का रत्न होता है, असली रत्न होता है। तो वैष्णव जब देह त्याग के चला गया तो हम लोगों ने देखा पूरे विश्वभर में से कोई सगे संबंधी नहीं है, हम लोग भी सब ये प्रभुपाद जी के चमत्कार हैं कि प्रभुपाद जी ने जो संस्था बनाया है इसमें सब वैष्णव लोग, पूरा वैष्णव परिवार है, कोई सगे संबंधी कोई ब्लड रिलेशन में नहीं है। लेकिन पूरे समग्र विश्वभर में जो गौड़ीय वैष्णव हैं, जो भी सुन रहे हैं, वे लोग कातरता और उनके जाने का जो दुख है वो प्रकट कर रहे विभिन्न प्रकार से। इतने सारे वैष्णव लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं, इतने सारे वैष्णव लोग गुणगान कर रहे हैं, इतने सारे वैष्णव लोग ये आशा कर रहे हैं कि शायद प्रभु जी थोड़े दिन और रह जाते हैं, उनके संग कामना कर रहे हैं। तो ये दिव्यता है, ये वैष्णव के तिरोधान, वैष्णव जो इस धरती से जा रहा है ये उसकी महिमा है। इसलिए वैष्णव तो कभी भी सामान्य मृत्यु प्राप्त नहीं होता है, वैष्णव अंतर ध्यान होता है, उसका भौतिक जो पांच भौतिक जो प्रेजेंस है वो नष्ट होता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर में हमेशा है। एक वैष्णव का महिमा इतना महिमाशाली होता है। मैं सोच रहा था कि बचपन में हम लोग सुनते थे लता मंगेशकर आशा भोसले जी का गाना, रफ़ी किशोर इत्यादि बहुत फेमस थे, कुछ फिल्म स्टार, कुछ ऐसे एक टेनिस प्लेयर थी स्टेफी ग्राफ, बहुत फेमस, फिर सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री इत्यादि सब लोग फेमस लोग थे, आप लोग जानते हैं। और फिर विदेश में माइकल जैक्सन, उससे पहले एल्विस,
जॉर्ज हैरिसन इत्यादि, हैरिसन का ग्रुप, वे लोग बहुत फेमस थे उस समय, बहुत फेमस हुए। लेकिन उनका जो प्रसिद्धि है आज देखिए, जो अभी के बच्चे जन्म ग्रहण करने के लोग इनका नाम भी नहीं जानेंगे, कभी कभी भी नहीं नाम जानेंगे। इतना भयानक भयानक सब लोगों ने रिकॉर्ड किया है, गाना इत्यादि सब रिकॉर्ड तोड़, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, सब पोथी में रह जाएगा, बस इतना ही। कभी कोई कोई बुढ़ा उनको याद करेगा, कभी एक बार नाम आएगा, बस इतना तक ही, खत्म, अस्तित्व खत्म। वो अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी लता इत्यादि गाने कौन सुनता है, अभी की जेनरेशन लोग जानते भी नहीं है। और ऐसे करके जो भौतिक जो लोग हैं उनका कृतित्व कितना भी हो जाए एक समय काल के लिए, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा, उसका अपयश हो जाएगा, वो खर्ब हो जाएगा। लेकिन वैष्णव, वो हमेशा वैष्णवों के द्वारा शुद्ध महात्माओं के द्वारा उनका गुणगान कीर्तित होता रहेगा। और इसीलिए आज तक भी हम लोग महाप्रभु के सारे पार्षद लोगों का गुणगान करते रहते हैं आज तक भी, और वो बढ़ रहा है। आज तक भी हम लोग मीराबाई को याद करते हैं, आज तक भी हम लोग सभी लोग संत तुकाराम को याद करते हैं, आज तक भी सब लोग सूरदास को कोई नहीं भूला है, एक पल के लिए भी नहीं भूला है। नरसिंह मेहता इत्यादि सब सब वैष्णव लोग, कहीं ना कहीं इनका गुणगान चलता है, इनका गुणगान पृथ्वी के किसी भाग में चलता रहेगा, ये भी एक नित्यता है। कोई ना कोई इनकी कथा कर रहा है नित्य रूप से। हाँ, ये वैष्णव का महानता है, तो ये दिव्यता है, इसलिए मैंने इतना कुछ बोला, क्योंकि ये जो उनका प्रयाण है ये अलौकिक लीला है। वैष्णव कभी ऐसे सामान्य मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। कोविड सब कुछ होने के बावजूद भी समस्त तो वैष्णव मायापुर का समाज, वे सभी लोग प्रभु जी के साथ, उनके भौतिक शरीर के साथ उनके अनुगामी हुए, और सभी लोग उनके अंतिम यात्रा में उनके साथ साथ चलकर उनके पांच भौतिक देह का पूर्ण रूप से गंगा में मिलन होने तक वे लोग सब वहाँ कीर्तन करते रहे। वे लोग सब अपलक नयन में उनकी उपस्थिति को देखते रहे। वो पांच भौतिक देह जल रहा है, वो नष्ट हो रहा है, और वो पंचभूत में विलीन हो रहा है, फिर भी उनका दिव्य देह का कणा का उपस्थिति तब तक लोग वहाँ पे थे, क्योंकि वो देख समझ रहे हैं कि उनका उपस्थिति वहाँ पे है। ये वैष्णव है, ये वैष्णवता का, ये वैष्णव का दिव्यता है। तो हम लोग उनके विरह में कातर तो हैं, बहुत शोकाहत हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं प्रभु वे तो भगवान के शुद्ध भक्त थे। वे भगवान नित्य धाम में जाए या प्रभुपाद जी के पास जाके कहीं पे सेवा करें, दो नेक ही बात है। लेकिन ये है कि उनका इस भुवन में, इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मा के भुवन में उनका ये काल जो था वो खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, जे मैंने सुना है, सब शास्त्रों में कहा है वर्णन, कि जो 28वां चतुर्युगी है, भगवान अवतरित होते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं खुद अवतरित होते हैं एक दिन में एक बार ब्रह्मा की, और वो वही चतुर्युगी था। ठीक ऐसे श्रील प्रभुपाद जैसे संत, उनके परिकर भी ब्रह्मा के दिन में एक बार ही अवतरित होते हैं, ये मेरा विश्वास है।
इस ब्रह्मांड से उनकी उपस्थिति हमेशा के लिए चली गई। व्यवस्थ किसी और ब्रह्मांड में गए उनको तारण करने के लिए, उन जीवों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए। तो अवश्य ही ये बहुत दुख की बात है, लेकिन एक बहुत अनुप्रेरणा भी है कि सारा जीवन जो भगवान का सेवा करता है, भगवान में तल्लीन हो जाता है, भगवान उसका खुद समर्थन करते हैं, कैसा आदर करते हैं ये विश्व ने देखा उनके प्रयाण से। ये एक अनुप्रेरणा है, एक विश्वास जगाता है भक्तों के मन में। प्रभुपाद कह के गए हैं ना, एक जीवन कृष्ण को दो, कृष्ण प्रभुपाद कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। तो वही बात है कि कृष्ण और प्रभुपाद हमेशा आपके लिए, अगर आप निष्कपट होकर भगवान का सेवा कर रहे हैं तो कोई चिंता नहीं है आपका, सब कुछ हो जाएगा। जो वित्त वैभवशाली व्यक्ति भी अपने लिए, वे अपने जीवित काल तक भी सुख का सामग्री अगर जुगाड़ कर भी ले, सुखी नहीं होता है। सुख का सामग्री जुगाड़ करता है, सुखी तो नहीं होता है, लेकिन मृत्यु के बाद का तैयारी वो नहीं कर सकता, वो संभव नहीं है। लेकिन वैष्णव लोग जो समर्पित हैं, राखो भी मारो भी जो ही इच्छा तुहार कृष्ण, हे कृष्ण तुम्हारे जो इच्छा है, जो इस समर्पण के साथ एक एक सांस, सांसों की माला से भगवान के नाम से जुड़े हुए हैं, वे सभी वैष्णव लोग निश्चिंत हैं। वे तो जीवन मुक्त है ही, लेकिन उनका प्रयाण भी भगवान उस पर चार चांद लगा देंगे। ये भगवान की भक्ति का प्रकट महिमा है जो आप लोग देख सकते हैं। तो एक विश्वास जगता है, सभी के मन में प्रेरणा जगती है कि भगवान की भक्ति करने से वो सब सौभाग्य आपके करतलगत हो जाएगा जो आप अपने प्रयास से या भौतिक लोगों के संग से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ये वैष्णव संघ भक्त अनुगत्य से ही प्राप्त हो सकता है और किसी चीज से प्राप्त नहीं हो सकता, संभव नहीं है या संभव है। तो श्री श्रीमद श्रील भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज बता रहे थे कि ऐसा उन्होंने सुना है, मैंने वो वीडियो सुना, बंगाली में था शायद, तो इसलिए मैं सोचा हिंदी में मैं वो ट्रांसलेट एटलीस्ट कर लूं। तो हम लोग जानते हैं कि वे ये दोनों भाई 14 भुवनों में स्पेशल हैं। मैंने एक और चीज रिकलेक्ट किया कुछ दिन पहले, मैं पढ़ भी रहा था श्री चैतन्य चरितामृत में, और श्री श्रीमद गौरांग प्रेम स्वामी महाराज का लेक्चर भी सुना था मैंने कुछ दिन पहले। तो निश्चयानंद ब्रह्मचारी का उल्लेख हो रहा था, कैसे महाप्रभु ने कृपा किया, वे कहीं और जाके भी भगवान को भोग निवेदन कर रहे थे, लेकिन जब महाप्रभु के पास गए तब उन्होंने उनका नाम बुला के कहा कि मैं तो उस दिन आया था। हाँ, तो ऐसा उनका नाम है प्रद्युम्नदास ब्रह्मचारी, दोनों ही एक ही नाम है कि निश्चिंगदेव के भक्त थे बोल के वे प्रद्युम्नदास ब्रह्मचारी को ही निश्चयानंद नाम दिया गया, निश्चिंगदेव के पूजा में आनंद। तो मैं कभी कभी समझता हूँ कि वे ही निश्चयानंद ब्रह्मचारी परिकर रूप में ये द्वैत रूप धारण किए हैं, श्री जननिवास प्रभु और श्री पंकजांगनी प्रभु के रूप में। ये द्वैत रूप में निश्चयानंद ब्रह्मचारी ही जो महाप्रभु के परिकर हैं ये प्रकट हुए हैं इस्कॉन भुवन में, क्योंकि इनकी विलक्षणता ये सिद्ध करती है कि ये लोग दोनों ही सिद्ध भक्त थे, हैं प्रभु जी अभी भी हैं। ये मेरा मानना है, किसी ने कहा नहीं है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते वो मेरे
माथे में आया कि लोग यही परिकर हैं। तो महाप्रभु का लीला में भी जो हो रहा था वो इस प्रभुपाद के अंतरंग पार्षदों में भी वही गण शामिल हैं। तो 70 दशक में 71-74 में तो प्रभु जी आए, श्रीपाद पंकजांगनी प्रभु मायापुर में आए, लंदन में दीक्षा हुआ और फिर दोनों भाई तब से लेके अभी तक एकनिष्ठ सेवा कर रहे हैं श्री राधा माधव। राधा माधव के जितने भी श्री विग्रह हैं ये उनके भक्ति का प्रताप है। सब लोग प्रकट हुए धीरे धीरे करके पंचतत्व, फिर भगवान उनके प्राणधन भगवान नृसिंहदेव, हाँ सब धीरे 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 प्रकट हुए मायापुर में। सभी लोगों ने जैसे खोटी डाला इन सब भगवत अवतार अर्चा अवतारों ने, और एकनिष्ठ सेवा और निष्ठावान आचरण। तो श्रीमद् श्रील भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज कह रहे थे, बहुत सुंदर एक बात कहा उन्होंने, तो मैं वो बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि बहुत लोग तो भजन करते थे, प्रभु जी लोग भी भजन कर रहे हैं, बहुत लोग भजन कर रहे हैं। प्रभु जी लोग भगवान का सेवा करें तो बहुत लोग भी कर रहे हैं। प्रभु जी लोग व्रत इत्यादि उद्यापन करे तो बहुत लोग भी कर रहे हैं। प्रभु जी लोग नाम जप कर रहे हैं तो बहुत लोग भी कर रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर है, महाराज ने बोला कि परनिंदा परचर्चा वैष्णव अपराध को दूर करके कैसे हम लोग प्रत्येक वैष्णव को सम्मान देते हुए वैष्णवों के संग को प्राधान्य देते हुए सेवा करें। ये बहुत बहुत विलक्षण था उन लोगों में, जो और बाकी सब में शायद ना भी हो। तो ये जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ ये 1996 की घटना है जो महाराज ने उल्लेख किया। श्री श्रीमद् श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के एक शिष्या थी जिन्होंने भगवान नृसिंहदेव को सपने में देखा था, और तब उन शिष्या को भगवान ने खुद कहा था कि मैं नृसिंहदेव के पुजारी को लेकर चला जाऊंगा अपने साथ, वो मेरा प्रिय पात्र हैं, मैं अचिरे ही इस भगवत सागर से उसको मुक्त कर दूंगा। तो माताजी बहुत चिंतित हो गई, बहुत चिंतित हो गई। फिर माताजी प्रार्थना करने लगी कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, ये भगवान ऐसा मत कीजिए। तो भगवान उनके पास आके उनको बोले, ठीक है तो मैं इस्कॉन के गुरु को लेके जाऊंगा। ये 25 साल पहले की घटना है। तो ये वाला कथन नहीं, जो सपना जो हुआ है ये उन्होंने अपने गुरुदेव को जाके बोला। तब वे गुरुदेव मायापुर विराज कर रहे थे, बहुत ही सिद्ध महात्मा, बहुत ही शुद्ध भक्त, भगवान के परिकर श्रेणी के कोटि के उच्च कोटि के श्री श्रीमद् श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज। वे अपने अनंत वैष्णव गुणों से वैदुषता से विभूषित होकर मायापुर में चारों तरफ रोशनी किए हुए प्रकट थे। तो तब उन्होंने जाके, शिष्या ने जाके उनको गुरुदेव को बोला। गुरुदेव ने कहा कि ये सब तुम कहना मत किसी को, ये तुम्हारा जो उपलब्धि हुआ है। तब उसके कुछ दिन के बाद ही श्री श्रीमद् श्रील गोविंद स्वामी महाराज का अप्रकटता सब जगत में व्याप्त हुआ। वे भी भौतिक उपस्थिति से वंचित हुए और नित्य लीला में चले गए।
भागवतम बोलते बोलते, गोपाल बोलते बोलते उन्होंने देह त्याग किया मायापुर धाम में। और ऐसे वैष्णव, एक और महान वैष्णव श्री पावन धरती मायापुर की वंचित हुई। तो फिर जब ये घटना सत्य हो गया तब वो शिष्या बहुत दुखी हुई और फिर जाके रोने लगी भगवान के पास जाके, और भगवान के पास जाके प्रार्थना किया। तब पंचजनी प्रभु से उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों पहले ऐसा ऐसा घटना हुआ मेरे साथ, और भगवान नृसिंहदेव कह रहे थे कि मैं पुजारी को लेके जाने वाला हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये पुजारी लोग हमारे बहुत बहुत अंतरंग हैं। तब माँ भगवान ने कहा कि मैं किसी इस्कॉन गुरु को लेके जाऊँगा, लेकिन हाय हाय मैं कितने अभागन हूँ, मैंने अपने गुरुदेव को ये कहा, किसी गुरु को बोला है, किसका नाम नहीं बोला भगवान ने, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव को कहा, लेकिन मेरे गुरुदेव ही चले गए ऐसे हट करके। तो ये घटना सिद्ध होती है कि वे भगवान के तो अंतरंग पार्षद थे ही, इसमें तो कोई कोई संदेह नहीं है, भगवान के कितने प्रिय हैं। और 25 साल के बाद भगवान भी नित्य लीला में इनका संग आशा करते हैं, भगवान को भी अपने भक्त लोग को एक निमेश भगवान ओझल नहीं होते इनके इनके, जैसे भागवतम में लिखा हुआ है ना कि साधु के हृदय में मैं रहता हूँ, मेरे हृदय में साधु लोग रहते हैं, वे लोग मेरे बिना कुछ नहीं जानते, मैं भी उनके बिना कुछ नहीं जानता, ये भगवान का स्वभाव है, ये भक्त और भगवान का संबंध है, ये अद्भुत है। इसमें कौन भगवान है कौन भक्त है ये भी समझना मुश्किल है, एकाकार हो जाते हैं। लेकिन इसको मायावाद नहीं समझना चाहिए कि एकाकार हो गए हैं, अवश्य भगवान भगवान भक्त भक्ति रहते हैं, लेकिन जब वे लोग आके मिलन होता है उनका, तब उनमें भगवान कौन है और भक्त कौन है ये भेद करना बहुत दुरह हो जाता है। तो ऐसे श्रीपाद पंकजांगनी प्रभु, ये मेरे जीवन की घटना है। बहुत सालों पहले एक बार मायापुर यात्रा हुआ था, तो हम लोग तब स्टूडेंट लोग थे, हम लोग मायापुर में गए थे। तो सौभाग्यवश मेरा तिथि वश नहीं, जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके हिसाब से जन्मदिन पड़ा। ऐसे तो मेरा जन्मदिन इंद्र एकादशी को है, लेकिन 22 सितंबर उस समय का समय था, उस समय पड़ा, तो हम लोग मायापुर धाम में थे, बहुत आनंद, हम लोग का एक रिट्रीट हुआ था। तो ऐसा वैष्णवों में तो कृपामय है वैष्णव लोग, एक तुच्छ दास को भी वे लोग सम्मान दिए, और केक कटिंग हुआ, ऐसा कुछ हुआ, थोड़ा बहुत आशीर्वाद मिला। तो तब ये दोनों विभूति श्रीपाद जननिवास प्रभु, श्रीपाद पंकजांगरी प्रभु उपस्थित थे। तो उन्होंने मुझे केक खिलाया, मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा कि हे प्रभु, मेरे की इच्छा है कि मैं भी सैफ्रन धारण करूं आप लोग जैसा। और तब दूर दूर तक भी ऐसा वैराग्य जीवन इस आश्रम प्रवेश करूंगा उसका कोई उसका कोई संबंध नहीं था। बहुत पहले की बात है, माने कौन सा सन है मुझे याद नहीं, शायद 2006-2005 ऐसा कुछ होगा। मैं 2006 में तो मैंने ज्वाइन कर लिया था, उससे पहले का ही है। तो ये घटना मैंने मुझे याद आया, मेरे एक प्रिय मित्र भी वहाँ पे थे, तो वो जन्मदिन मनाया गया था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, और मुझे इतना याद है कि पंकजांगरी प्रभु ने मुझे ऐसा कहा था
कि आपको ब्रह्मचारी बनने से पहले यू शुड प्रिपेयर योर माइंड, ये वाला बात कहा था मुझे याद है कि तुम्हारा माइंड को प्रिपेयर करना है। तो वे लोग तो ये दोनों जो जुड़वा भाई हैं, ये तो ब्रह्मचारी शिरोमणि हैं। मैंने इनके जीवन से एक चीज समझा, जो भगवान का सेवक पूजक और भजननिष्ठ अंतरंग भाव से सेवा नहीं कर सकता वे ब्रह्मचारी बन नहीं सकता। ये इनके ही जीवन से स्पष्ट हुआ है, ये मैंने रियलाइज किया है। ब्रह्मचारी का तभी अर्थ है अगर वे बहुत अंतर्निष्ठ भाव से भगवान के श्री विग्रह का पूजा पूजक बने, सेवक बने, उनके सेवाओं द्वारा भजननिष्ठ बने, तभी ब्रह्मचारी होने का कोई अर्थ है, नहीं तो कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मचारी लोग आते हैं जाते हैं, बहुत कठिन है ये व्रत बहुत कठिन है, लेकिन अगर भगवान का सेवा करता है अंतरंग रूप से तो उसके लिए वो बहुत सुंदर बन जाता है, वही सुंदर हो जाता है, फिर कठिन नहीं रहता। तो ये इनके जीवन से मैंने देखा, मैंने सीखा, हम लोगों ने, सब लोगों ने सीखा। क्योंकि ब्रह्मचारी का क्या काम है, ऐसे तो गृहस्थ वक्त लोग कितने लोग प्रचार भी कर रहे हैं, वो लोग तो सब लोग तो हो रहा है प्रचार। अगर तुम बोलो कि ब्रह्मचारी चाहिए प्रचार करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है, कितने अच्छे अच्छे गृहस्थ भक्त लोग हैं प्रचार कर रहे हैं, बहुत सुंदर शास्त्र को प्रस्तुत भी कर रहे हैं, मैंने कितने अच्छे अच्छे भक्त को देखे हैं। तो ऐसा तो नहीं है प्रचार करने की जरूरत है, किस लिए जरूरत है? ब्रह्मचारी का एक ही जरूरत है, वे जो श्री मंदिर में श्री अर्चा विग्रह प्रकट हुए हैं जगत कल्याण के लिए, उनको पवित्र रूप से अंतरंग भाव से हृदय काट के देकर सेवा करना, ये एक ब्रह्मचारी का दायित्व है। मग्नता से एकदम एकनिष्ठ होकर, इसके अलावा ब्रह्मचारी बनने का और कोई अर्थ नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। और किसी का कोई मत हो सकता है, लेकिन ये प्रधान, क्योंकि उनके प्रभाव से वे सारे जगत के स्वामी उस विग्रह में अटके रहेंगे। अवश्य ही शुद्ध भक्त लोग उनको आह्वान किए हैं तो वो तो वहां पे विराज करने के लिए तो प्रतिबद्ध हैं, लेकिन फिर भी उनका सेवा अगर नहीं हुआ, बोलते विग्रह छोड़कर चले जाते हैं, भगवान प्राण प्रतिष्ठित विग्रह छोड़कर भगवान चले जाते, त्याग देते विग्रह को, तो उस विग्रह में उस भगवान की उपस्थिति बनाए रखने में एक ब्रह्मचारी वो कर सकता है। अभी आप लोग बोलेंगे गृहस्थ भी तो पुजारी हैं, हो सकता है गृहस्थ पुजारी हो, भी अच्छा पुजारी हो सकता है, लेकिन ब्रह्मचारी एकनिष्ठ होकर अपने जीवन को साध सकता है और ब्रह्मचारी के उस चेतना से भगवान उधर रहने के लिए बाध्य होते हैं। एकनिष्ठ सेवा से, एकनिष्ठ सेवा ब्रह्मचारी कर सकता है और ब्रह्मचारी जैसा कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका तो और संसार नहीं है, कुछ नहीं है उसका, वो भगवान है और वो है, ऐसा इतिहासों में वर्णन है एवं बहुत से संप्रदाय में भी सन्यासी लोग स्पेशली, जैसे माधवाचार्य संप्रदाय, हमारे संप्रदाय की जो ऊपर संप्रदाय है उडुपी में, सन्यासी ही भगवान का सेवा करता है, श्री संप्रदाय में भी सन्यासी ही भगवान का सेवा करता है। क्यों? क्योंकि वो अग्र अधिकारी है, हाँ अग्र अधिकारी है, तो ठीक ब्रह्मचारी अग्र अधिकारी है भगवान के श्री विग्रह को सेवा करने के लिए। तो ये उनके जीवन से सीखा कि अगर वो ब्रह्मचारी की चेतना में वो पूजक चेतना नहीं है, वो सेवक चेतना नहीं है, विग्रहों से संबंध नहीं है, तो वो ब्रह्मचारी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता या ज्यादा दिन तक इस संस्था को कोई फायदा पहुंचा नहीं सकता। रह सकता है लेकिन कुछ उसका लाभ नहीं है, कहने का अर्थ ये है।
अवश्य सब भक्त लोग श्रेष्ठ हैं, मैं कोई भेदाभेद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक ब्रह्मचर्य का महिमा का बात बोल रहा हूँ। इसमें आप लोग असंतुष्ट नहीं होएगा जो भी सुनिएगा, ये एक महिमा है। एक ब्रह्मचारी को शुड बी लाइक ऐसा होना चाहिए, पूजक, अंतरंग पूजक। ब्रह्मचारी का मेन जो चीज है वो भगवान के साथ संबंध गहरा बनाना, और वो शिव विग्रह के द्वारा ही हो सकता है। जितना भी लेक्चर सुन लो, जितना भी जो कुछ कर लो, शिव विग्रह का सेवा अगर नहीं किया, ब्रह्मचर्य टिकाना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभूति है। जो लोग भगवान का सेवा, विग्रह का सेवा नहीं करते हैं, वे लोग एक तरीके से तत्ववादी बन जाते हैं और उसके बाद मायावादी बन जाते हैं। तो एक और प्रसंग आ रहा था कि भगवान का निष्ठावान शुद्ध नाम जापक ही भगवान के, कौन ऐसा कर सकता है, कौन ब्रह्मचारी ऐसा कर सकता है, कौन व्यक्ति भगवान के साथ ऐसा घनिष्ठ संबंध, उनके विग्रहों के साथ, विग्रह और भगवान तो अभिन्न है, उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापन कर सकता है। तो सिद्धांत ऐसा आता है कि नाम, उसके बाद रूप, उसके बाद गुण, उसके बाद लीला। तो शुद्ध नाम जापक ही भगवान के रूप का पूर्ण तरीके से, उनकी महिमा को आत्मसार कर सकता है, जैसे श्रीपाद पंकजाग्नि प्रभु ने अपने जीवन में किया। ये सिद्ध है कि उनका नाम जप, शुद्ध नाम जप का बहुत व्याख्या है, उसमें से एक व्याख्या ये भी है कि किस हृदय से तुम जप कर रहे हो, जप का क्वालिटी है। किस हृदय से तुम जप कर रहे हो, और हृदय जो परिधि है, वो हृदय का जो खेती है, हृदय का जो क्या बोलते हैं अवस्था है, उस किस अवस्था से आप जप कर रहे हो, वो बहुत 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 जप के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें से ही प्रमाणित होता है कि जप शुद्ध है कि नहीं है, या कितने मात्रा में है। अभी चित्त कैसा हो, कितना समर्पण भाव है भगवान के प्रति। अभी आप लोग ये समझ सकते हैं, शुद्ध नाम जापक का आप लोगों के मन में बहुत सारा बहुत कुछ कॉन्सेप्शन है, वो सही भी है। शुद्ध नाम जापक गंभीर रूप से नाम लेता है, बहुत बहुत नाम लेता है, ऐसा भी बहुत लोग का ही, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मनोनिवेश और उसके अंतरंगता, उसका समर्पणता, वो थोड़े नाम को भी दिव्य बना देता है, चाहे वो चार माला भी जप क्यों ना करे। उसका स्मरण, उसका भाव, उसका हर समय का चिंतन, ये है हृदय की अवस्था। और उससे 16 माला जब भी अगर करें तो वो करोड़ों करोड़ों करोड़ नाम के समान हो जाता है। वैसे लोग शुद्ध नाम जब समझते हैं कि वो लोग बहुत नाम जप करते हैं, 90 माला, 100 माला, ये सब सादी नाम जप कर रहे हैं, ऐसा भी वो भी है, वो नामनिष्ठ व्यक्ति लोग हैं, वो हैं, वो भी हैं, लेकिन ये भी है, क्योंकि विग्रह सेवा करते हैं तो इनका नाम जप जितने संख्या में है, लेकिन उनका हृदय जो है उस नाम जप करने का, वो एक अनोखा हृदय है। क्योंकि उसका प्रमाण क्या है, उसका प्रमाण है उनका, उनके द्वारा किया हुआ सेवा, वो प्रमाण है उसका, उनके हृदय का प्रमाण है उनका सेवा। मैं सबसे सुंदर एक जो अनवद्य कीर्ति है श्रीपाद पंकजांगनी प्रभु, श्रीपाद जनन निवास प्रभु की, वो है कि इस्कॉन में सब लोग को जाने ना जाने, पूरे विश्व के लोग एक चीज जानते हैं कि श्रृंगार भगवान का, भगवान का अष्टकालीन सेवा,
और उन सभी इस्कॉन में भी सब वीडियो प्रकाशित होता है, सब इस्कॉन में भी सबसे श्रेष्ठ अगर कुछ है तो वह मायापुर की भगवान की सेवा। यद्यपि सब लोग ये नहीं जानते बहुत लोग कि मायापुर में जो भगवत विग्रहों का सेवा अर्चन का जो कोर्स होता है 6 महीने का, वे यही प्रभु लोगों के मार्गदर्शन में होता है, दोनों प्रभु के मार्गदर्शन में। ये जो पगड़ी बांधना, ये इस्कॉन के वासियों ने कहाँ से सीखा, ये चंदन यात्रा में सुंदर सेवा करना, माला का विन्यास, कमर में भगवान का कोची बांधना, ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट सूक्ष्म सूक्ष्म विचार हैं, ये कहाँ से आया? यही नामनिष्ठ दो जापक, ये जो पंकजांगनी प्रभु और जन्नीवास प्रभु, इन लोगों का ही चेतना में जो रूप उनके अंदर प्रकाशित हुआ है, वही प्रकट हो गया बाहर, जो हृदय में है उनके। और हम लोगों ने सब देखा कि राधा माधव, ओह क्या दर्शन। कुछ देर पहले श्रीपाद अमरेंद्र प्रभु एक लेक्चर में बोल रहे थे कि ऐसा किसी ने पूछा श्रीपाद पंकजांगनी प्रभु को कि प्रभु आप ऐसा नहीं फील करते कि नृसिंहदेव का पूजा का जो मेलो है, जो रस है, वो राधा माधव का जो सेवा है उस रस से थोड़ा निम्न रस है? राधा माधव हम लोग का इष्ट है, देखिए सखी है, और ये जो परिकर मंजरी भाव, ये उच्च रस है। प्रभु ने उनको उत्तर दिया कि हाँ, राधा माधव तो नित्यलीला में मग्न है, और देखो एक एक सखी उनको समय कहाँ है किसी का प्रार्थना सुनना, किसी का सेवा स्वीकार करना, या कुछ भक्तों को असुविधाएं हैं भक्ति में, उनके जो आसक्ति जनित असुविधाएं हैं उनको सुनने का उनको कहाँ, वो तो राधा रानी के साथ अंतरंग मग्न है। सब सखियाँ देखो, एक 8 सखियाँ हैं, तो इसलिए नृसिंहदेव बहुत ज़रूरत है क्योंकि वे तो मग्न है अपने नित्यानुरक्त हाँ स्वभाव में, लेकिन भगवान नृसिंहदेव कृपामय रूप में अवतरित हुए हैं ताकि भक्तों के वो अपने नाखूनों से, दिव्य नाखूनों से भक्तों के भक्ति में जितने बाधाएं हैं उन सबको उखाड़ के, अपरूटेड बोलाएं, उखाड़ के बाहर फेंकने के लिए, भक्तों के भक्तिमय जीवन को सुरक्षित करने के लिए, और वो सब प्रार्थनाएं सुनने के लिए भगवान नृसिंहदेव बैठे हुए हैं। जो बाधाएं दूर होने के बाद आप राधा माधव का वो जो भाव है, उनका जो अंतरंग भाव है सेवा करने का, उससे प्रविष्ट हो पाओगे, जो अभी तुम लोग नहीं प्रविष्ट हो पा रहे। इसलिए भगवान नृसिंहदेव का क्या कृपा का जरूरत है। तो जो व्यक्ति का चेतना, जिसके मुंह से ये शब्द निकले हैं, तो अवश्य ही उसके चेतना का चेतना ही है जो शब्दों के माध्यम से निकला है। ये है मग्नता, ये अंतरंगता। भक्ति में एक ही चीज चाहिए, वो है मग्नता। प्रभुपाद ने कहा है श्रुतो कीर्ति प्रभु को कि एब्जॉर्प्शन, वो मग्नता, भक्ति में पागल तल्लीनता, वही एकमात्र चीज है जो जब को जब बनाती है, जो सेवा को सेवा बनाती है, जो स्मरण को स्मरण बनाती है, जो श्रवण को श्रवण बनाती है, वही चीज, वो एक ही चीज, वो एक चीज जुक्त होने से सब कुछ का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर मग्नता का, मनोनिवेशता का अभ्यास आप में नहीं है, तो आप जितना माला भी जप कर ले, आप जप एक माला भी नहीं ठीक से नहीं कर सकते। आप जितना भी सेवा कर ले, आप मंगलाती में क्यों ना आए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। होगा धीरे धीरे, कमे कमे होगा, लेकिन आप उस जन्म में वो फल प्राप्त नहीं कर सकते। ये मग्नता, ये अंतरंगता। तो जरूर ये लोग दोनों ही नामनिष्ठ हैं, इसीलिए इनके द्वारा भगवान के ऐसे स्वरूप, चिदानंद स्वरूप, ऐसे भगवान साक्षात गोलोक वृंदावन धाम से उतर के आ गए हो मायापुर की धरती पर अपने सखियों, अपने परिकरों के साथ, इसलिए वे ऐसा रूप को प्रकाशित कर पाए और ऐसा उनके रूप में मग्न हो पाए। जो नामनिष्ठ नहीं है वो ऐसे ही भगवान के रूप में मग्न नहीं हो सकता।
एकमात्र जो नामनिष्ठ हैं, जो सरल चित्त हृदय से जप कर रहा है, जो भगवान के छोड़ भगवान शरणागत हो गया, समर्पित हो गया है मन ही मन से, और भगवान को छोड़कर कुछ नहीं जानता है, वैसे नाम जापक लोग भगवान के श्री विग्रह को, उनका दर्शन कुछ अलग होता है। उनका दर्शन साक्षात दर्शन, उनका श्रृंगार, उनका सेवा, उनका भगवत विग्रह में जो भगवत बुद्धि है, वो सब अंतरंग भाव जो है वो अलग होता है। यही पंकजांग प्रभु का सबसे बड़ा महिमा है जो हमारे इस्कॉन में वे देखे गए हैं। ये शिक्षा आज राधा माधव को आज लाड कौन लगाएगा, आज नृसिंह देव को कौन लाड लगाएगा, उनका जो लाड लगाना विग्रह से, ये कोई सामान्य जीव ऐसा नहीं कर सकता। प्रभुपाद ने कहा है कि दो भाई बहुत स्पेशल हैं, इनके 14 भुवनों में इनकी आत्माएं स्पेशल हैं, और वो दिखता है। एक महाराज बोल रहे थे, परम पूज्य महाराज, कि जब से मायापुर में उनको देखा है पहली बार से, अभी तक भी वैसे ही शांत, वैसे ही सब वैष्णव में समदर्शी, कभी भी किसी सेवा के लिए कोई क्रेडिट नहीं लेना, वैसे ही पीछे रहना और वैसे ही व्यस्त रहना भगवान की सेवा में, वही स्वभाव, इसे निष्ठा कहते हैं। प्रभुपाद छोड़ के गए थे इन दोनों को पूजा करने के लिए, माधव का दायित्व देके गए थे। क्या गुरु भक्ति, क्या डेडिकेशन, अंतिम क्षण तक वही सेवा, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, सालों साल, एक ऋतु नहीं, शीत ग्रीष्म वर्षा जितने भी ऋतु। तो ये है भक्त का हृदय और भक्त का सेवा, अपना परिवार छोड़ के आकर। सब लोग तुच्छ समझ लेते उनके भक्तों को, महिमा को, उनका भी, उनकी भी माँ था, आज मदर डे है ना, सब लोग माँ को याद कर रहे हैं, उनकी भी माँ थी, उनके भी पिता थे, उनके भी सब लोग थे, परिजन थे, वे लोग छोड़ के आए गुरु की सेवा में समर्पित हुए, और जगतवासी को सुकृति दिया। हाँ, और अंतिम क्षण तक भी गुरुगत अंतगत प्राण होकर वहीं पे पड़े रहे मायापुर धाम में। और हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसी दिव्य आत्माओं को हम लोग ने देखा भी अपनी आंखों से, उनका संग तो मिला है, वो तो अहो अहो सौभाग्य है, अहो भूरी भागा, लेकिन ऐसे दिव्य आत्मा को दर्शन भी दूर से कर लिया तो वो महाभाग्य है हम जैसे पापी तापी लोगों का, कपटी लोगों का, पाखंडी लोगों का। तो राधा माधव तो अपने पास बुला लिए उनको, राधा माधव भी तो वंचित हुए उनके लाड से। सिर्फ भक्त लोग ही विरह में नहीं है, भगवान के विग्रह लोग भी विरह में है मायापुर में, सभी जगत में। भगवान का भक्त किसी भी तरीके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। किसी गीता में पढ़ने विश्वास है तो गीता पढ़ के सिद्धि प्राप्त हो जाएगा उसको। और ऐसे श्रीपाद जननिवास प्रभु और श्रीपाद पंकजांगरी प्रभु जैसे विग्रह में इतना, तो सर्वश्रेष्ठ पुजारी बन गए पूरे विश्व में। और सिद्ध हो गया जीवन, धन्य हो गया जीवन, कृतकृत्य हो गया, हम लोग का भी कृतकृत्य हो गया कि ऐसे निष्ठावान आचरण हम लोगों ने देखा, समस्त कलंक रहित निष्कलंक पवित्र जीवन, सारा जीवन इन लोगों का रहा, दोनों भाइयों का। और मायापुर वासियों के प्राण ये दोनों, महाराज बोल रहे थे कि अभी तो ये दोनों भाई को सब लोग मिस करेंगे, एक साथ नहीं देख पाएंगे कभी, अभी एक जन दिखेंगे। लेकिन मैं तो सोचता हूं कि वो एक जन को हम हृदय से लगा के रखें,
फिर कब वैष्णव से उनके संगों से वंचित हो जाए। तो हमेशा इस्कॉन के भुवन में जितने वैष्णव हैं, जितने वैष्णव लोग आएंगे, वे सभी लोग श्रीपाद पंकजान प्रभु का गुण कीर्तन करेंगे, उनके दिव्य महान चरित्र की रोशनी में अवश्य ही आएंगे, देखेंगे, एक आदर्श स्थापन किया। जितने काल तक जीवन में रहे, हर पग पग पे, हर सेकंड सेकंड में, हर समय समय पे एक आदर्श स्थापन कर दिया। इसलिए प्रकट भक्त जो हैं, उनका संग लेना, उस शरणागति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, भगवत चरणों में, भगवान नाम में। भक्त नहीं रहे तो शरणागति कौन सिखाएगा? और भक्त सिखाते कैसे हैं? अपने दिव्य आचरणों से। तो ऐसे श्रीपाद पंकजांगनी प्रभु चांदी की सीढ़ी में चढ़ के चले गए भगवत धाम, और पीछे छोड़ गए अनवद्य कीर्ति, जैसे श्रीमद भक्ति विनोद स्वामी महाराज बोल रहे थे कि प्रभुपाद के हर शिष्यों का जो डेडिकेशन लेवल है, वो कौन उसका पारावार छू सकता है। एक उदाहरण दे रहे थे कि जब बाढ़ आता था पहले, तब वो कुटिया ही थी, उस कुटिया के बाढ़ से पानी भर गया, कुटिया के ऊपर बैठे हुए, नीचे खसा दीवार बह गया, कुटिया किस तरीके से ऊपर है तो उसके ऊपर बैठे हुए हैं, रात रात भर बारिश में भीग रहे हैं, खिचड़ी बिचड़ी खा के, तब जनिवास वो वहाँ पे थे, सोचिए, ये दोनों भाई भी वहाँ पे थे, माधव को लेके बैठे हुए हैं गोदी में। ये है सेवा। सांप आ रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, गुरुनिष्ठ। तो जो अनुबद्ध कीर्ति है, ये हमेशा कीर्तिमान रहेगी, भगवान इसका खुद प्रकाश करेंगे, भगवान स्वयं। कोई लोग कोई सामान्य हर वैष्णव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ऐसे शुद्ध वैष्णव लोग। कभी कभी ऐसे वैष्णव लोग भुवन में प्रकाशित होते हैं, इनका दिव्य लीला भौतिक जगत प्रकाशित होता है भगवान के जैसे, फिर अंतर्धान भी होता है और हम लोग को विरह सागर में निमग्न करता है, लेकिन ये विरह वेदना भी हम लोग के उद्धार का कारण बनता है, क्योंकि हम एक वैष्णव को हृदय से उनके समस्त गुण वैशिष्ट को, विलक्षणताओं को स्मरण कर रहे हैं, उनके विरह में हैं, वे चले गए हैं, उनका भौतिक प्राकट्य नहीं है, तो विरह कातरता भी पवित्रता देती है। वैष्णव जाने के बाद पवित्र करके जाता है लोगों को, आता है तो पवित्र करता, जाता भी तो पवित्र करता है। इसलिए वैष्णव तो जब अप्रकट होते तो और दयालु होते हैं, और उनका कृपा वैष्णव माने कृपा सार, तो उस समय आप सभी लोग जो प्रार्थना करें उनके उनके चरणों में, तो वे भगवान तक उसको पहुंचा देते हैं। और श्रीमती राधा रानी कृपा कटाक्ष हम लोगों पर हो जाता है। तो हम सभी लोग ये प्रार्थना करते हैं कि छयो बेगोदमी छयो दुशुशोधी छयो गुणो देहो दासी छय विदो चत्संग देहो आमारे बोशे ची संगेर वासी एकाकी आमार नाही पाए बल हरिनाम संकीर्तने तुमि कृपा करि श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने कृष्ण से तोमार कृष्ण रीते पारो तोमार शक्ति आछे आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। श्री वैष्णव ठाकुर की जय, श्रीपाद पंकजांगनी प्रभु की जय। सभी वैष्णव चरणों में, उनकी धूलियों में, वैष्णव धूली चरणों की धूली
ये मृत्यु के समय प्राप्त हो जाएं, जीवन सिद्ध हो जाएं। जैसे वृंदावन के लाला बाबू बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत उनका इंद्र समान उनका ऐश्वर्य था। उन्होंने वैराग्य धारण किया। सिद्धदास बाबू जी महाराज के कहने पर और अद्भुत मंदिर बनाने के लिए भिक्षा मांगे लास्ट में, जो इतना जमींदार इतना बड़ा पैसे वाला। तो जो जमींदार श्री रंगनाथ मंदिर बना रहा था वही बहुत बड़ा पैसा वाला, तो उसने जब सुना कि लाला बाबू भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, वो लाला बाबू इतने बड़े जमींदार देख रहे हैं कि दंतों में तृण धारण करके आज महान बैरागी वैष्णव हो गए हैं, दिनाति दीन होकर भगवान के श्री मंदिर के लिए भिक्षा मांग रहे हैं, तो उस महा वो जो महाजन थे जो रंगनाथ मंदिर बना रहे थे उनसे और रहा नहीं गया, वो चरणों में गिर गए। बोले रंगनाथ मंदिर बाद में बनेगा, पहले लाला बाबू जैसे महान भक्त का जो हृदय में इच्छा हुआ है वो मंदिर बनेगा। और फिर मंदिर बनाया गया, बहुत सुंदर मंदिर है लाला बाबू का। उनको उनके गुरुदेव ने आदेश दिया था कि तेरे तू तो विषय में था इतने नहीं, तेरा विषय का रोम रोम में तेरे विषय वासना भरा हुआ है। गुरुदेव से पूछा कैसे जाएगा, गुरुदेव ने कहा कि हाँ तू जो अन्न खा रहा है वो छोड़ दे, अभी से क्या करेगा गेहूं खिलाएगा गायों को, तो वो गेहूं जो भी दाना खाएगी गायें वो गोबर करेगी, उस गोबर से दाना निकलेगा, वो दाना धोकर छानकर सुखाकर उससे आटा बनाकर रोटी बना के खाएगा, ये तेरा अन्न है। सोचिए ये साधना, वीर वही किया और फिर उन अन्न खा के मान बैरागी बन गए। मैंने वो लाला बाबू जी ठाट बाट था उनका क्या अवस्था होगी, लास्ट में क्या मांगा कि जब मैं मर जाऊं मेरे इस अपवित्र कलेवर को पूरे वृंदावन के रज में घसीटना, पूरे वृंदावन के रज में घसीटना, ताकि मेरा ये जो कलेवर का जो यूज है वो अंतिम समय तक भी उसका यूज हो। तो पूरे वृंदावन में तो नहीं घुमाया, इन ज्ञान गुदरी उद्धव कियारी, उद्धव जी के ज्ञानपीठ में ज्ञान गुदरी में उनके शरीर को ऐसे ही मट्टी में लौटाया गया, फिर जाके उनका जो भी पंचभौतिक संस्कार होता है वो किया गया। तो ऐसे महान संत भी प्रार्थना करते हैं भगवान की वैष्णव के चरण धूलि का अंतिम समय में। तो ऐसे वैष्णवों का चरण धूलि अंतिम समय में जीवन में आ जाए, बस लोगों का हृदय तो छोटा है, अभाव युक्त हृदय है, अभाव उनके स्वभाव में बैठ गया है, तो इसलिए ये सब महिमा को लोग समझ नहीं पाते, क्या वैष्णव है क्या क्या ये भक्ति का महिमा है। क्योंकि वो वैष्णवी तो एक कड़ी है हृदय का अभाव को दूर करने का, क्यों, क्योंकि वो वैष्णवी तो परिपूर्ण पूर्णातिपूर्ण भगवान से तो संबंध करवाएगा, ब्रह्म संबंध करवाएगा, और जेवी तुम्हारा संबंध उस परिपूर्ण पूर्णातिपूर्ण भगवान से हो जाता है तो भगवान क्या है, पूर्ण पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवम अवशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण बचे रहा है, तो वो है भगवान, ये हिसाब है भगवान का, पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण बचा रहेगा, ये भगवान है परिपूर्ण है। तो वो वैष्णवी करवाता इन अभाव रोगियों को परिपूर्ण भगवान के चरणों में डाल देता है, जब इनमें से कोई वो पकड़ लेता है हुक कर लेता है तो उसके जीवन भी परिपूर्ण होने लगता है, क्योंकि भगवान से संबंध हो रहा है उसका उस परिपूर्ण भगवान से। तो इसलिए वैष्णव का चरण धूलि यही हम लोग का जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, वैष्णव जैसे रखे हैं। पहले हम लोग सुनते हैं भगवान जैसे रखे, अभी मैं बोलता हूँ वैष्णव जैसे रखे वैसे रहना है, एक शुद्ध वैष्णव हमारा जीवन सफल।
तो ऐसे श्रीपाद पंकजानी प्रभु हमेशा सभी गौरी वैष्णवों के जीवन में हृदय में अंकित रहेंगे। इनका नाम सभी लोग युगो युगों तक इनको स्मरण करेंगे, सभी भक्त भागवत लोग, हाँ शुद्ध व्यक्ति लोग, और मिसाल सब लोग प्रवचनों में बोलेंगे कि ऐसे पुजारी थे। जैसे आजकल हम लोग गाते हैं ना सब गुणगान, सब सूरदास जी का, इनका, उनका, तो हमारे इसको उनका सौभाग्य है कि हम लोग भी गाएंगे इनका गुणगान कि ऐसे पुजारी थे जिन्हें भगवान नृसिंह ने साक्षात प्रकट किया है इस धरातल में। श्री प्रभुपाद के रत्नों में से एक रत्न हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद आएंगे, कौन भूल सकता है ऐसे वैष्णवों को। आचरण, नम्रता, सभी चीज से पराकाष्ठा में उनकी वैष्णवता थी, तो ऐसे वैष्णव को सभी लोग प्रेम करेंगे। अजात शत्रु वो गुण है, उनका शत्रु कोई हो नहीं सकता। उन शत्रु की शत्रुता में उतनी शक्ति नहीं होगी जितनी उनके प्रेम में उतनी शक्ति होगी। ऐसे महान वैष्णव को स्मरण करते हुए आज विराम देता हूं। आप सभी लोग भी उन वैष्णव से प्रार्थना करें कि हमारे भक्ति जीवन में जितने भी कमियां हैं, जो अभाव है ना हृदय का, वो अभाव दूर हो जाए। ये अभाव स्वभाव में रहेगा तब तक कभी भक्ता भगवान, भगवान की महिमा हृदय प्रकाशित नहीं हो सकती। जब तक ये अभाव है, संसारी अभाव है। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीपाद पंकजांगनी प्रभु की जय। वैष्णव ठाकुर की जय।